काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सिंगरौली दौरा बेहद खास रहा। सिंगरौली दौरा में जन आभार यात्रा में जहां आत्मीय स्वागत की गया तो दूसरे कई सिंगरौली का बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा सिंगरौली में बड़ा ऐलान की गया जहां उनके द्वारा कहा गया कि सिंगरौली में एयरपोर्ट बनावा चाहिए। के साथ साथ सीएम के द्वारा सिंगरौली में 257 करोड़ के निर्माण कामन के लोकार्पण और शिलान्यास के काम के इनका तविंद्र क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभी जन इनका प्रणाम करी थे शुरू करी थे। बड़ी खबर से बता दी कि जन आभार यात्रा के बाद मुख्यमंत्री के द्वारा एनसीएल मैदान पहुंच के 257 करोड़ रुपया के निर्माण काम लोकार्पण और शिलान्यास की इनका मुख्यमंत्री के द्वारा महिला स्व सहायता समूह का बैंक लिंकेज के 59 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के जरिए भेजी गई। मुख्यमंत्री के द्वारा कन्या पूजन करके सबसे पहले बेटी के सम्मान की इनगा और विभिन्न योजना के हितग्राहियों का हितलाभ वितरण की इनगा। यह अवसर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा कहा गया कि सिंगरौली श्रृंगी ऋषि के धराया और पर भगवान की विशेष कृपा है। सिंगरौली के एक ओर बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस जबकि दूसर ओर भगवान राम के तपोस्थली चित्रकूट है। यह पूरा क्षेत्र कोयला और विद्युत के रूप में सर्वाधिक ऊर्जा दे वाला क्षेत्र है और यह धरा का 257 करोड़ रुपया के विकास काम के सौगात मिली है। देश और प्रदेश पर डबल इंजन की सरकार इस समय काम कर रही है जो तेजी से विकास काम में जुटी है। प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति के ध्वजा लहराए देंगे और अब अवध से लेकर अरब तक भारतीय संस्कृति की गूंज है। प्रभु श्री राम 500 साल के बाद भव्य मंदिर में विराजमान भी जो लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगावत रहे जिनके द्वारा भगवान के राम प्राण के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आमंत्रण अस्वीकार किएगा अब उनका आम जनता उचित पारितोषिक दे। मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि अगर आपके आशीर्वाद मिला तो प्रदेश का विकास में नंबर एक बना वजह। जिला के विकास से जुड़ी विभिन्न मांग के संबंध में मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि सिंगरौली के सिंगरौली हवाई पट्टी का एयरपोर्ट के तौर पर विकसित की जाए। शीघ्र हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाए। गरीबन का आयुष्मान कार्ड से उपचार सुविधा दे के साथ साथ एयर एम्बुलेंस से निःशुल्क अस्पताल पहुँचावा जाए और जिला के विकास से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण कामन का शीघ्र से शीघ्र मंजूरी दी जाए। गौशाला में रहने वाली प्रत्येक गाय के खातिर 20 रुपया के प्रतिदिन मिलने वाली राशि का बढ़ाई के 40 रुपया की जाए जहां गायन के खातिर अब दुगुनी राशि मिल सकी। पिछले सरकार के द्वारा शुरू की जाए वाली योजना लागू रही और एक लाभ आम जनता का लगातार मिलत रही। सजग रही, सतर्क रही, रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। इजाजत, प्रणाम।